दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। अगर आपने सीटेट का फॉर्म भरा था, सेंटर को लेकर के बहुत चिंतित थे कि हमने क्या सेंटर भरा था, क्योंकि पहले ये परीक्षा ऑनलाइन तरीके से होनी थी तो वहां पर सेंटर की उपलब्धता बहुत कम थी, लेकिन सीटेट ने एक नोटिस जारी करके बताया था कि अब आपका ये पेपर OMR बेस्ड होगा, यानी अब आपका पेपर OMR बेस्ड होगा और ऑफलाइन और 20 तारीख को ये पेपर होगा। इसको लेकर के यहाँ पर 1 तारीख को 1 अगस्त को एक नया नोटिस जारी किया गया है, जिसकी पुष्टि आप ऑफिशियल वेबसाइट से स्वयं भी कर सकते हैं। इस ऑफिशियल नोटिस में क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। देख पा रहे होंगे ये नोटिस तो कह सकते हैं 28 तारीख को ही वहां से टाइप हो गया था, लेकिन वेबसाइट पर आया है ये 1 अगस्त को। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदकों जिन्होंने 27/4/2023 से 26/5/2023 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान किया था, उनको सूचित किया जाता है कि अब ये परीक्षा 20/8/2023 को OMR आधारित मोड में आयोजित की जा रही है। आवेदकों के प्रवेश पत्र जिसमें उनको आवंटित परीक्षा के शहर का उल्लेख है, सीटेट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आवेदकों को यह भी सूचित किया जाता है, क्योंकि सीटेट के लिए आवेदन करते समय उन्होंने ऑनलाइन परीक्षा के अनुसार परीक्षा के शहरों का चयन किया था, लेकिन अब ये परीक्षा ऑफलाइन मोड में होने जा रही है। इसके कारण परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर बदल दिए गए हैं। अतः आवेदकों द्वारा अपने ऑनलाइन फॉर्म में दिए गए उनके वर्तमान पते, देखिए हम भी आपको यही कह रहे थे कि या तो सीटेट जो है चेंज करने का ऑप्शन देगा, या तो जो आपने एड्रेस फिल किया होगा, एड्रेस तो फिल कराया जाता है ना, तो जो आपने एड्रेस फिल किया है उसी के आधार पर कहा जा रहा है वर्तमान पते के जनपद को आधार मानते हुए उन्हें परीक्षा केंद्रों के शहर के रूप में उनके वर्तमान पते के जनपद, यानी जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वहां पर आपको परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा रहा है। परीक्षा के शहर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा के समय के विस्तृत विवरण के साथ प्रवेश पत्र 18 तारीख को अपलोड होगा, ठीक है, 2 दिन पहले। लेकिन अभी आप सिटी देख सकते हैं कि आपका एग्जाम कहाँ लगा हुआ है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपका सेंटर आपके नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में लगा दिया गया है। पहले क्या था कि बहुत सारे लोग फॉर्म भर रहे थे ऑनलाइन, तो वहां पर परीक्षा भी ऑनलाइन होनी थी उस समय जब फॉर्म भरे जा रहे थे, तब तक यही जानकारी थी, तो उन लोगों ने मतलब सीटों की उपलब्धता भी दिखाई थी, तो बहुत सारे बच्चों के पास नियरेस्ट सीट अगर उपलब्ध नहीं थी वो अन्य स्टेट का भी सेलेक्ट कर लिए थे। जैसे बहुत सारे बच्चे अगर यूपी के हैं, अगर उनको यूपी में सेंटर नहीं मिला था तो दिल्ली भी सेलेक्ट कर लिए थे। अब उनका जो सेंटर है उनके एड्रेस के आधार पर, कौन सा एड्रेस, जो आपका पता है, ठीक है, पत्राचार वाला नहीं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जो वर्तमान पता है, वर्तमान पते का जो सिटी है उसी के आधार पर आपका सेंटर लगा दिया गया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है seated.nic.in, इस पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर यहाँ पर देखिएगा लिंक एक्टिवेट हो चुका है, व्यू डेट एंड सिटी प्री एडमिट कार्ड सीटेट अगस्त 2023, यहाँ पर आप सिंपली कुछ डिटेल अपनी फिल करिएगा और आप अपना एडमिट कार्ड यहाँ पर देख पाएंगे, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन, और ये आप अगस्त वाला आप देख पा रहे होंगे, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अगस्त का आप एडमिट कार्ड देख पाएंगे, प्री एडमिट कार्ड यहाँ से आप देख पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।